Hi everyone, this is Siya Shivani and welcome back to my YouTube channel. So I scored 67 in SFM and in this video I am going to share the strategy which I used to score exemption in CA final SFM paper. So without wasting a moment, let's get started with the video. So SFM का paper 100 marks का आता है, जिसमें से question number 1 जो है वो compulsory question है and question number 2 to question number 6 में से हमें कोई भी 4 question solve करने हैं. सो SFM के लिए मैंने ये स्टडी का फ्लो फॉलो किया था. सबसे पहले यू विल हैव टू डू द कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट स्टडी करने के लिए यू कैन ईदर डू अ सेल्फ स्टडी और यू कैन जॉइन अ फास्ट ट्रैक बैच और यू कैन रेफर टू एनी रिविजन वीडियोज दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. विच एवर वे यू फॉलो, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एक कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि जो लास्ट डेज होंगे एग्जाम के उसमें आप वो सिर्फ नोट्स रेफर करके आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. नेक्स्ट आपको करना है क्वेश्चन सॉल्विंग. क्वेश्चन सॉल्विंग जब आप फर्स्ट स्टडी कर रहे हो ना, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. उसमें से यू हैव टू मार्क द इम्पॉर्टेंट वंस एंड ऑल्सो मार्क द क्वेश्चंस विच यू फाइंड एज ट्रिकी. मतलब देख लो, अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है या फिर कोई अलग वे से क्वेश्चन सॉल्व किया है या कोई यूनिक क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चंस मार्क कर देना एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और फिर एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द डे. उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड देन यू हैव टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड. SFM पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज द थियोरी पार्ट. थियोरी 20 to 25 मार्क्स का आता है हर टाइम एग्जाम में, सो डू नॉट स्किप थियोरी. सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हमें लगता है SFM प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें थियोरी का क्या काम है, और हम थियोरी पूरी तरह से स्किप कर देते हैं विद अ थॉट कि हम जो भी आएगा वो हम एग्ज़ाम में ऑन द स्पॉट लिख देंगे. बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट. उस टाइम पे उस प्रेशर में ना आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये नहीं समझ में आएगा. तो डेफिनेटली डू प्रिपेयर थियोरी चैप्टर्स एंड यहाँ पे ना द क्वालिटी इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस. तो अगर आप कोई स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स है आपके थियोरी में वो भी एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं SFM की थियोरी में. सो डू नॉट टेक इट लाइटली. SFM की थियोरी एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर पेपर इजी आ गया तो ये थियोरी चैप्टर्स की वजह से ना आप एग्जेम्पशन स्कोर कर पाओगे, या अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो थियोरी चैप्टर्स की वजह से आप पास हो पाओगे. एंड आई ऑनेस्टली फील कि जो मुझे 67 मार्क्स मिले हैं SFM में, उसका पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द थियोरी, बिकॉज मैंने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी. अब थियोरी तो सारे चैप्टर्स में है, तो सारे चैप्टर्स की थियोरी आपको थोड़ी थोड़ी रेफ़र करनी है, बट जो इम्पॉर्टेंट जो सिर्फ थियोरी चैप्टर्स है SFM के, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से करने हैं. आई जस्ट रीड आउट द चैप्टर नेम्स फॉर यू. फिनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस. ये चैप्टर्स तो बिल्कुल भी आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ने हैं, इनमें से थियोरी आपको करनी है. रिमेनिंग चैप्टर्स में से भी आप थियोरी करो, बट वो आप सिर्फ एक बार रीड कर सकते हो, एक बार रेफ़र कर सकते हो, बट इसमें से आपको जो थियोरी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करनी है. अब आते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स के तरफ. प्रैक्टिकल टॉपिक्स में एज आई ऑलवेज से, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द मस्ट. राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आप एग्जेम्पशन स्कोर करने का सोच भी नहीं सकते. और प्रैक्टिकल टॉपिक्स की ABC एनालिसिस मैंने यहाँ पे दे दिए, तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड प्लीज़ नोट, ABC एनालिसिस इज़ जस्ट फॉर प्रायोरिटाइजिंग. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सी कैटेगरी छोड़ सकते हो. आपको ABC सारी कैटेगरीज की पढ़ाई करनी है. नाउ देर आर सम जनरल टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव, जिसने मुझे बहुत हेल्प की है टू स्कोर एग्जेम्पशन इन SFM. पहला है, बहुत लोग ना मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और म्यूचुअल फंड्स ऐसे चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ देते हैं, थिंकिंग कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट यू आर वेरी रॉन्ग. म्यूचुअल फंड चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आता है, मर्जर्स में से भी हर बार आता है. मुझे तो पर्सनली मर्जर्स और म्यूचुअल फंड्स बहुत पसंद था, क्योंकि ये आपको एक बार समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ने हैं. जितना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या सिक्योरिटी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, उतने ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये स्कोरिंग भी है. सेकेंड टिप इज़ दैट यू कैन मेक अ बुक फॉर फॉर्मूलाज. अभी काफ़ी चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज भूल जाते हैं. तो उसके लिए क्या करो, आप एक बुक प्रिपेयर कर लो. उसमें एवरी टाइम यू डू अ चैप्टर आफ्टर यू आर डन विथ योर स्टडीज, जस्ट गो
एंड नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज इन अ बुक. सो एट द एंड आपके पास एक कंसाइज नोट्स रेडी होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज है. तो एग्ज़ाम के जो 1.5 डेज है उसमें आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में आसानी होगी. आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास सारा एक बुक में अवेलेबल हो जाएगा. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ये आपको बहुत सिली साउंड करेगा बट दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि यूज़ द सेम ब्रांड कैलकुलेटर. डू नॉट कीप स्विचिंग ब्रांड्स. तो अगर आप कोई एक ब्रांड का कैलकुलेटर यूज़ करते हो, आप थ्रू आउट योर CA जर्नी आप वही ब्रांड का कैलकुलेटर यूज़ करना, बिकॉज आपकी जो आदत बैठी होती है ना हाथ को, यू कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस वेरी क्विकली इफ़ यू आर यूजिंग द सेम ब्रांड. बट वही अगर आप ब्रांड स्विच करते हो ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ होने लगता है और आपको उतना ज़्यादा टाइम यूज़ करना पड़ता है. काफ़ी ऐसे सम्स हैं SFM में जहाँ पे आपको कैलकुलेटर के कोई ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं. जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको e^2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको कैलकुलेटर के ट्रिक से वो वैल्यू मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग द लॉग टेबल. तो वो जो ट्रिक्स है ना, वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके रखना, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना. ऐसे ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.